absolutely for free at learnohub.com. तैयार है सभी लोग? Let's get started. <music> Reproductive health. क्या होता है ये? A state of complete physical, mental and social well-being in all aspects of reproduction. नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम physical, मेंटल और सोशल वेलबिंग well की बात तो कर ही रहे हैं बट किस एस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में अब किस तरीके से ये तीन चीजों की हम बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड फिजिकली कुछ इशू ना हो सो दैट कवर्स फिज़िकल वेलबींग अगर बात करें सोशल वेलबिंग well या मेंटल वेलबींग well की बहुत बार क्या होता है कि अगर किसी इंसान को रिप्रोडक्शन रिलेटेड इशूज़ रहते हैं उससे उसे मेंटल स्ट्रेस होता है तो यानी कि उसकी मेंटल वेलबींग well भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है बहुत बार बहुत से लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड इशूज़ होती हैं जिसके वजह से उसके ऊपर सोसाइटल प्रेशर होता है जैसे बहुत से लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है या फिर बहुत से लोगों को किसी और तरह के डिजॉर्डर्स या डिजीज

दूसरा प्रॉपर नॉलेज ऑफ हाउ रिप्रोडक्शन हैपेंस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे फंक्शन करता है क्या होता है राइट सेक्स एजुकेशन नॉलेज ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं जैसे कि एड्स इज वन ऑफ देम इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भाई इन्हें कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए सो so दैट लोग इस तरह के डिजीजेस के चंगुल में ना फंसें Care of pregnant mother and the baby. बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमें इसके बारे में नहीं पता है तो बहुत से प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत से बच्चों की डेथ हो सकती है ड्यू टू लैक ऑफ केयर तो इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है एंड फाइनली अप्रोप्रिएट मेडिकल फैसिलिटीज फॉर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है बट उसके लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज अब अवेलेबल हो गए हैं तो उनके बारे में भी जानकारी रहना जरूरी है तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे हम कवर करते हैं वेन एवर वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वापस से यही आता है कि व्हाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना जरूरी क्यों है इसके बारे में जानकारी होना जरूरी क्यों है जरूरी तो बिल्कुल है और उसका सिंपल सा कारण है आज के डेट में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं या फिर जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी हो कौन से है ये प्रॉब्लम्स कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से हैं जैसे कि पहला प्रॉब्लम अनवांटेड प्रेगनेंसीज बहुत बार एक कपल है जिनको ऑलरेडी एक बच्चा है या ऑलरेडी दो बच्चे हैं या फिर फॉर एनी रीजन जिनको बच्चा नहीं चाहिए बट एक्सीडेंटली द वुमन गेट्स प्रेग्नेंट तो ऐसे केस में इस तरह की जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ हैं ये ना तो बच्चे के लिए अच्छा है और ना ही पेरेंट्स के लिए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज होने से अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के बारे में पता रहता है सो अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैन बी अवॉइडेड ओवर पॉपुलेशन जाहिर सी बात है कि अगर हम अपनी इंडिया की ही बात करें तो हमारा पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ बेटर कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज लेकर के लोग अपने एक या बहुत हुआ तो दो ही बच्चे पैदा करें इससे ज़्यादा दस ग्यारह बच्चे अगर लोग पैदा करने लगेंगे फिर तो डेफिनेटली पॉपुलेशन एक्सप्लोडी ही हो जाएगा है कि नहीं फीमेल फीटिसाइड्स बहुत बार हो ऐसा होता है कि बहुत से जगहों में पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे जगहें हैं जहाँ पर आज भी ऐसा माना जाता है कि जो मेल्स हैं दे आर सुपीरियर देन फीमेल्स वो कहते हैं ना बेटा ही चाहिए तो जब कई बार लोगों को यह पता चलता है कि जो लेडी प्रेग्नेंट है उसकी कोप में जो बच्चा है वो फीमेल है तो बहुत बार लोग उस फीमेल फीटस को मार देते हैं पैदा होने से पहले ही यस नाउ दैट इज रियली क्रूअल एंड दैट इज रियली रियली रॉन्ग लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नॉलेज हो लोगों को इसके बारे में सबको बताया जाए तो फीमेल फिटिसाइड्स को भी हम रोक सकते हैं हाई मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा मेटरनल मोर्टेलिटी रेट हम किसे कहते हैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो डेथ्स होते हैं दैट इज़ मेटरनल मोर्टैलिटी रेट हम नोटिस करते हैं कि बहुत सारे डेथ्स इस वजह से होते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया जिसकी वजह से उस प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हो गई या फिर बच्चे की डिलीवरी के दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई राइट right? तो इस तरह के डेथ्स को भी हम काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं इफ़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों को ठीक तरह से नॉलेज हो एस टी डीज दैट इज सेक्शुअली ट्रांसमीटेड डिजीजेज़ बहुत से ऐसे डिजीजेज होते हैं जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो जब तक इन डिजीजे के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होगा तब तक इस तरह के डिजीज़ को हम फैलने से नहीं रोक सकेंगे लैक ऑफ केयर रिजल्ट इन डिजीज्ड चिल्ड्रेन जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे तो हम उसके दौरान यह भी बताएंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमन और एक न्यू बेबी इन दोनों को ही इक्वल केयर की जरूरत पड़ती है अगर ढंग से केयर ना किया जाए तो काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है कि जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को कोई डिजीज़ हो तो अब आप खुद सोच के देखो कि जो बच्चा पैदा हो रहा है इस दुनिया में आ रहा है उसे अगर ऑलरेडी कोई डिजीज है तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी राइट ऑल हिज और हर लाइफ दैट पर्सन हैज टू लिव विद दैट डिजीज राइट तो इससे अच्छा क्या है इससे अच्छा है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का भी अच्छे से ख्याल रखा जाए और पैदा होने के बाद बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखा जाए तो इस तरह की सारी बातें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर की जाती है

सबसे पहले डिस्कस करेंगे फैमिली प्लानिंग अच्छा फैमिली प्लानिंग कैसे करते हैं से पहले यह जानना जरूरी है कि फैमिली प्लानिंग करना जरूरी क्यों है और आंसर का एक ही वर्ड है टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की जरूरत है कि ओवर पॉपुलेशन किस तरीके से मतलब एक कंट्री को एक पूरे नेशन को कैसे खत्म कर सकता है ओवर पॉपुलेशन इज लाइक आपके पास एक छोटा सा आप कई बार देखते हो कभी आपने इंटरनेट पे टीवी पे कहीं पे देखा होगा ओवर पॉपुलेशन की बात होती है तो वो दिखाया जाता है ना एक छोटा सा फिश बॉल है जिसके अंदर दो फिश कंफर्टेबली रह सकते हैं बट अगर आप उसमें फिशेस डालते चले जाओगे डालते चले जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो पूरा का पूरा बॉल जो है वो टूट जाएगा राइट right. क्यों टूट गया ओवर पॉपुलेशन की वजह से राइट तो ओवर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में जब ओवर पॉपुलेशन होने लगता है तो इट इज़ लाइक इतने सारे लोग हैं तो इतने सारे लोगों की नीड्स को भी तो पूरी करनी पड़ेंगी राइट इतने लोगों को खाना मिलना चाहिए इतने लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए ताकि वो अपना अपना पेट चला सके अपना अपना घर चला सके बट जब ऐसा नहीं होता है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बट उस हिसाब से उस कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं तभी तो मेन दिक्कत आती है राइट right? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर फैमिली अपने फैमिली की प्लानिंग करे वो कहते हैं ना हम दो हमारे दो इनफैक्ट आज के डेट में तो शायद ये भी बेटर होगा कि हम दो हमारा एक अगला सवाल यही आता है कि फैमिली प्लानिंग कैसे की जाए राइट right? तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा वेनेवर इट कम्स टू फैमिली प्लानिंग सबसे पहला प्रॉपर एज गैप बिटवीन टू चिल्ड्रन दो बच्चों के बीच में प्रॉपर एज गैप होना चाहिए क्यों ताकि पहले बच्चों को वो सारा केयर वो सारा न्यूट्रिशन मिल सके जो उसे जिसकी उसे ज़रूरत है तो जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए मे बी एटलीस्ट थ्री ईयर्स फोर ईयर्स फाइव ईयर्स का हो जाए ओनली देन द नेक्स्ट चाइल्ड शुड बी प्लान कंट्रोल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली टू वन और टू डिपेंडिंग ऑन फैमिलीज इनकम देखो किसी भी फैमिली के इनकम के साथ उस फैमिली में कितने बच्चे होंगे उसका बहुत बड़ा लिंक है क्योंकि हर एक बच्चे को पालने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं राइट आपके पास पैसे होने चाहिए ताकि आप अपने बच्चे को खाना खिला सको उसे स्कूल भेज सको उसे पढ़ा सको उसकी पूरी परवरिश कर सको राइट तो अगर कोई ऐसी फ़ैमिली है जिसके पास ऑलरेडी पैसे बहुत कम हैं तो ऐसी फैमिली में बच्चा अगर एक ही हो तो अच्छा है क्योंकि एक ही बच्चे पे वो अपना सारा रिसोर्सेस लगा सकते हैं और उसे अच्छे से पाल सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं बट स्टिल उन फैमिलीज में पांच छः सात बच्चे होते हैं विच इज डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेबल नंबर थ्री नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड चाहे लड़का हो या लड़की आज की डेट में सब बराबर है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेरेंट्स शुड प्लान बेबी एट दर राइट एज नाउ आप पूछ सकते हो कि वॉट डू यू मीन बाई राइट एज पेरेंट्स होने के लिए भी कोई राइट एज की जरूरत है बिल्कुल जरूरत है क्योंकि जैसे ही आप पेरेंट्स बनते हो तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं राइट यू नी टू टेक केयर ऑफ द बेबी राइट तो इसका मतलब आपको बेबी तभी प्लान करना चाहिए वेन यू आर स्टेबल राइट वेन आई से स्टेबल आई मीन जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो राइट जब आप फिजिकली स्टेबल हो जब आप थोड़े मेच्योर्ड हो चुके हो ओनली देन वन शुड प्लान अ बेबी सो आइडियली ऐसा बोला जा सकता है कि 25 फाइव टू थर्टी वाला जो एज होता है उस टाइम पे इट इज़ लाइक द परफेक्ट टाइम फॉर प्लानिंग बेबीज़ तो बहुत जल्दी अगर बेबी प्लानिंग होती है तो उस केस में ये होता है कि पेरेंट्स के पास इतनी मेचोरिटी नहीं होती है कि वो बेबीज़ को अच्छे से हैंडल कर सके अगर बहुत लेट हो जाता है तो उसमें यह दिक्कत आती है कि बाई द टाइम बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है पेरेंट्स आर ऑलरेडी टू ओल्ड टू टेक केयर ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए प्रेगनेंसी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि देर आर नॉट टू मैनी किड्स अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ को अवॉइड किया जा सके और दो बच्चों के बीच में प्रॉपर एज गैप हो तो कुल मिला के कहानी कुछ यूँ है कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो इसका एक आसान तरीका है टू मोटिवेट टू एनकरेज स्मॉलर फैमिलीज इसीलिए ये स्लोगन्स आए हम दो हमारा एक या हम दो हमारे दो अब यहाँ पर एक ऐसे चीज़ है जो स्मॉलर फैमिलीज़ करने में मदद कर सकती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के हेल्प से लोग प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं इनफैक्ट इन्हें हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी कहते हैं तो कौन से होते हैं कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स वैसे तो ऐसे कई मेथड्स हैं बट यहाँ पर हम कुछ ऐसे मेथड्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहला नेचुरल मेथड यानी कि जिसमें हम कोई एक्सटर्नल चीजों के यूज नहीं करेंगे दिस इज जस्ट नेचुरल नेचुरल मेथड मेथड बैरियर इंट्रा डिवाइसेस ओरल पिल्स या इंजेक्शन एंड सर्जिकल मेथड तो चलो अब एक एक करके इन सारे मेथड्स को डिटेल में समझते हैं तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम नेचुरली कर सकते हैं सो दैट प्रेगनेंसी कैन बी अवॉइडेड तो सबसे पहला तरीका होता है क्वॉटस इंटरप्टस नाम काफी भारी सा लग रहा होगा बट मैटर इज क्वाइट सिंपल क्वाइटस इंटरप्टस इंटरप्ट मतलब किसी चीज को इंटरप्ट कर देना किसको इंटरप्ट कर देना इनसेमिनेशन को इंटरप्ट कर देना मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान जैसे ही पेनिस में से सिमेंट निकलने वाला होता है इट इज बेटर टू टेक द पेनिस आउट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट उससे क्या होगा उससे यह होगा कि जो स्पर्म्स इजैक्यूलेट होंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता राइट सो दिस इज कॉल्ड क्विटस इंटरप्टस दूसरा तरीका है पीरियोडिक एब्सटीन पीरियोडिक एब्सटीन पीरियड से रिलेटेड है कुछ नॉट रियली बट समथिंग विच इज रिलेटेड टू से पीरियोडिकली कुछ ऐसी चीज जो पीरियोडिकली हो रही है क्या हो रही है पीरियोडिकली फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने राइट ह्यूमन रिप्रोडक्शन में उसमें हमने क्या देखा था जिस तरह से हर फीमेल को एवरी मंथ लगभग मंथ भी बोल सकते हैं 28 एट टू थर्टी डेज में क्या होता है मेंस्ट्रुएशन होता है उसी तरह मेंस्ट्रुएशन के ठीक लगभग 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है ओव्यूलेशन बोले तो जब ओवरी से एग रिलीज होती है राइट तो इसका मतलब हर महीने फीमेल की बॉडी के अंदर एक फर्टाइल पीरियड होता है राइट फर्टाइल पीरियड बोले तो उस पीरियड के दौरान अगर स्पर्म फीमेल के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा, तभी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं राइट फर्टिलाइजेशन तो तभी होगा ना जब स्पर्म को ओवम मिलेगा जब स्पर्म को एग मिलेगा एग हमेशा अवेलेबल होता है क्या बिल्कुल नहीं होता है एग कब अवेलेबल होता है जब ओव्यूलेशन होता है राइट right? ओव्यूलेशन होगा तभी तो एक अवेलेबल होगा तो हम कह सकते हैं कि फीमेल का जो फर्टाइल पीरियड होता है वो कब होता है दैट इज अराउंड द ओव्यूलेशन टाइम ठीक है और ओवुलेशन टाइम कब कब होता है लगभग 14 डेज बिफोर पीरियड का टाइम मतलब मेंसेस का जो टाइम होता है उससे 14 डेज पहले ओव्यूलेशन का टाइम होता है और ओव्यूलेशन के टाइम के अराउंड जो है फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस होते हैं सो so, One simple thing that can be followed is that to avoid intercourse during the fertile period, फर्टाइल right? पीरियड तो अगर उस टाइम पे इंटरकोर्स होता ही नहीं है तो उस टाइम पे स्पर्म और ओवम के फ्यूज होने का कोई चांसेस ही नहीं है तो प्रेगनेंसी का कोई चांस है क्या बिल्कुल नहीं तीसरा तरीका है लैक्टेशनल एमिनोरिया लैक्टेशनल एमिनोरिया नाम से लग रहा है इट हैज़ समथिंग टू डू विद द लैक्टेशन पीरियड लैक्टेशन पीरियड हम किस पीरियड को कहते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद यानी कि पर्चूरेशन के जस्ट बाद जो फेज होता है दैट इज लैक्टेशन पीरियड इस पीरियड के दौरान जो न्यू बॉर्न होता है वो अपने मदर्स मिल्क को लेता है राइट सो दिस इज द ब्रेस्ट फीडिंग टाइम बेसिकली राइट तो लैक्टेशन पीरियड के दौरान फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं होता है ओवुलेशन भी नहीं होता है चूंकि ओवुलेशन होता ही नहीं है तो इस दौरान फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं बिल्कुल नहीं है सो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बिल्कुल नहीं है तो नेचुरल मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज की अगर हम बात करें तो आप्सोल्यूटली नो साइड इफेक्ट्स क्योंकि इसमें आप ना तो कोई दवाइयाँ ले रहे हो ना कि ना तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई सर्जरी हो रही है किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं है तो डेफिनेटली नो साइड इफेक्ट्स अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज भी है बिल्कुल है डिसएडवांटेज यह है कि हाई रिस्क ऑफ फेलियर क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से करते हो कि भाई मेरा फर्टाइल पीरियड इज अराउंड दिस टाइम हो सकता है आपका कैलकुलेशन बाई एनी चांस गलत हो जाए, जो अगला हम discuss करने वाले हैं, नाम से पता चल रहा है यानी कि हम क्या करेंगे यहां पर Hero और heroine के बीच में दीवार खड़ी कर देंगे, yes, हम बैरियर खड़ा कर देंगे बिटवीन द स्पर्म ओवम ताकि वो फिजिकली मीट ही ना कर सके फ्यूजन तो दूर की बात है वो एक दूसरे को मिल ही नहीं पाएंगे राइट right? तो किस तरह के बैरियर्स हम यूज करते हैं so, कई डिफरेंट तरह के बैरियर्स यूज किए जाते हैं जैसे कि डायफ्राम्स जैसे कि कॉन्डोम्स सर्वाइकल कैप्स जैसे कि वॉल्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्डोम्स क्वाडम क्या होता है ये एक बलून लाइक इलास्टिक कवरिंग होती है जो मेल्स में पेनिस के ऊपर टाइटली फिट हो जाती है और फीमेल्स में वेजाइना और सर्विक्स के ऊपर टाइटली फिट हो जाती है इसका मेन काम होता है कि इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं उसे ये कलेक्ट कर लेता है सो so ऑब्वियसली बात है कि अगर एक कवरिंग के अंदर अगर एक समझ लो एक पॉलीथीन टाइप की चीज़ के अंदर सारे स्पर्म्स कलेक्ट कर लिए गए हों तो स्पर्म्स का ओवम से मिलने का कोई चांस ही नहीं है सो so प्रेगनेंसी का कोई चांस ही नहीं है ना ही सिर्फ प्रेगनेंसी इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो भी डिजीजे सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से आ, पास होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं उन्हें भी कॉन्डम्स के हेल्प से रोका जा सकता है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव आई यूडीज वॉट आर आई यूडीज इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूटरस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है ऑब्वियसली इसे कोई भी इंसर्ट नहीं कर सकता है ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू इट दो तरह के आयोडीज होते हैं एक होता है कॉपर आयोडीज और दूसरा होता है हॉर्मोनल आयोडीज सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉपर आयोडीज कॉपर आयोडीज नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो यूटरस के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर रिलीज करते हैं और ये कॉपर क्या करता है ये स्पर्म को इमोबिलाइज कर देता है मतलब यू समझ लो कि स्पर्म को ना मारे डालता है एक तरीके से अब स्पर्म जब इमोबिलाईज हो जाता है मतलब स्पर्म इमोबाइल हो जाता है वो मूव नहीं कर सकता है हमें क्या पता है स्पर्म का मूव करना बहुत जरूरी है तभी तो वो कहां तक पहुंचेगा फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा फीमेल गैमिट से मिलने के लिए है कि नहीं लेकिन देखो ये कॉपर बीच में आकर के सब चौपट कर देता है और ये स्पर्म को इमोबिलाइज कर देता है अब आप सोच रहे होगे कि कॉपर स्पर्म को इमोबिलाइज कैसे करता है तो कॉपर आयंस जो हैं ये एक्ट करते हैं सर्वाइकल म्यूकस पे सर्विक्स होता है वहाँ पे जो म्यूकस होता है उसके ऊपर एक्ट करता है और इस रिएक्शन से एक स्पर्म किलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से जैसे ही स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने की कोशिश करता है थ्रू द यूटरस क्योंकि उसे यूटरस पार करके जाना पड़ेगा फेलोपियन ट्यूब तक रिमेंबर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद है ना याद नहीं है तो जाओ फटाफट से जाकर के ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला वीडियो देखो ठीक है सो so एनी तो जैसे ही स्पर्म यूटरस के पास आता है तो क्या होता है उसे ये कर दिया जाता है जिसकी वजह से फ्यूजन का कोई चांस नहीं प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं दूसरे तरह का जो आईयूडी होता है दैट इज हार्मोनल आईयूडी हार्मोनल आईयूडी ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं विच इज प्रोजेस्टिन हार्मोन ये हार्मोन क्या करता है इस हार्मोन के रिलीज होने की वजह से जो सर्वाइकल म्यूकस है वो काफी थिक और स्टिकी हो जाता है खुद सोच के देखो अगर स्टिकी हो जाएगा तो क्या होगा क्या स्पर्म उसमें से मूव कर पाएगा नॉट रियली really. इतना ही नहीं ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जो ग्रोथ है उसको भी स्लो डाउन कर देता है अब आप फिर से सोचो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम यूट्रस का जो अंदर वाला वॉल है इसका तो बहुत बड़ा रोल है क्योंकि यहीं पे आके इम्प्लांटेशन होता है जयगॉट का और यहीं पे जो है बेबी डेवलप होता है फॉर नाइन मंथ्स तो अगर ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रॉपरली ग्रो ही नहीं की तो इम्प्लांटेशन हो पाएगी नहीं हो पाएगी राइट तो यानी कि इस तरीके से भी हॉर्मोनल आईयूडीज के यूज से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है तो चलो अब देखते हैं आई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर बात करें एडवांटेजेस की तो ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं ये आइडियल होते हैं टू तो डिले प्रेगनेंसी और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन आईओडी से sexually transmitted diseases का कोई protection या prevention नहीं होता है। यानी कि अगर गलती से कोई pregnant हो जाता है with IUD, तो कुड बी अ रिस्की अफेयर क्योंकि यूटरस के अंदर अब बेबी भी रहेगा और यूटरस के अंदर क्या है आईयूडीज भी है तो चलो बच्चों अब देखते हैं तीसरा तरीका विच इज पिल्स और इंजेक्शन तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टोरॉन के कम लेवल पे स्मॉल लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पिल्स या फिर इंजेक्शन तो पहले बात करते हैं पिल्स की ओरल पिल्स यानी कि छोटी जो दवाइयाँ होती है गोली जिसे हम कहते हैं वो लेना पड़ता है फॉर अ पीरियड ऑफ ट्वेंटी वन डेज एवरी डे हर दिन वो पिल लेना पड़ता है फॉर ट्वेंटी वन डेज ठीक है प्रेफरेबली दिस इज़ स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेन्स्ट्रुअल साइकिल जब मैंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसी के डे वन पर यह लिया जाता है ट्वेंटी वन डेज तक लगातार लेना पड़ता है उसके बाद गैप दिया जाता है ऑफ अराउंड सेवन डेज तो इस गैप के दौरान ही मेंस्ट्रुएशन होता है एंड देन अगेन द सेम साइकिल नीड्स टू बी रिपीटेड इसको तब तक रिपीट करते रहना है जब तक द फीमेल डजेंट वांट प्रेगनेंसी तो ये होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल uh, इसके फायदे ये हैं कि लेस साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं काफ़ी इफेक्टिव होता है कई पिल्स मार्केट में अवेलेबल हैं वन गुड एग्जाम्पल इज सहेली तो सहेली का जो कॉम्पोजिशन होता है इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल कॉम्पोजिशन मतलब इसके अंदर स्टेरॉयड्स नहीं होता है वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स इफेक्टिवनेस इज़ वेरी हाई मतलब इसकी एफिशियंसी काफ़ी हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसका एंड इट इज़ अ वंस अ वीक पिल मतलब इसे वीक में एक ही बार लेना पड़ता है दैट इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज अब सिर्फ पिल से नहीं इंजेक्शन्स के फॉर्म में भी इस्ट्रोजन प्रोजेस्टोरॉन का एक छोटा सा कॉम्बिनेशन डाला जा सकता है फीमेल्स की बॉडी के अंदर तो बच्चों दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि ये पिल्स या फिर इंजेक्शन ऐसा क्या जादू करते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है क्या होता है बॉडी के अंदर वेल well, तो इन पिल्स और इंजेक्शंस की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं अंदर जैसे कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिक और स्टिकी हो जाता है अब उसके थिक और स्टिकी हो जाने की वजह से उसके थ्रू स्पर्म का जो मोबिलिटी है वो इम्पैक्ट हो जाता है राइट दूसरी चीज ये होती है कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो थिन हो जाती है मतलब वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है एंडोमेट्रियम वाली लेयर तीसरा होता है कि इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन मतलब जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस है यानी कि एग रिलीज होने का जो प्रोसेस है उसी को ये रोक देता है अब भाई एग ही रिलीज नहीं होगा तो फ्यूजन कहाँ से होगा राइट तो इस तरीके से पिल्स और इंजेक्शन काम करते हैं और ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं अब बात करेंगे पिल्स या इंजेक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बात अगर एडवांटेजेस की करें तो ये हाईली इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव होता है क्योंकि इससे कॉन्ट्रासेप्शन काफी अच्छी तरीके से होता है रेगुलेट्स मेन्स्ट्रुअल साइकिल Uh, इसका मतलब है कि जो मैंट्रुअल साइकिल है वो काफी रेगुलेटेड फॉर्म में होता है क्यों क्योंकि इन पिल्स को हम डेली ले रहे होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज जैसे ही इन्हें हम छोड़ते हैं और गैप देते हैं उस दौरान फिर से मैंट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फिर से हम इसे ट्वेंटी डेज के लिए लेते हैं सो दैट मीन्स एक रेगुलेटेड वे में मेन्स्ट्रुअल साइकिल चलता है रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन सिस्ट्स ओवेरियन सिस्ट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि अंदर किसी भी तरह का अक्यूमुलेशन नहीं होता है इजी टू यूज एंड रिड्यूस मेंस्ट्रुअल क्राम्पस लेकिन अगर बात करें डिसएडवांटेजेस की तो वहाँ भी कई सारे हैं नौसिया वॉमिटिंग वाली फीलिंग वेट गेन एब्डोमिनल पेन मूड चेंजेस हेड एक ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं अगला कॉन्ट्रसेप्शन का मेथड है सर्जिकल मेथड कह सकते हैं कि दिस इज द टर्मिनल मेथड टू प्रीवेंट प्रेग्नेंसी मतलब ये जो है एकदम फुल एंड फाइनल सोल्यूशन है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इस मेथड में सर्जरी के थ्रू ऐसा कर दिया जाता है कि गैमिट ट्रांसफर हमेशा के लिए बंद हो जाता है मतलब मेल और फीमेल गैमिट का एक दूसरे से मिलना जो है वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है इस प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं और ये सर्जरी मेल्स और फीमेल्स दोनों में किया जा सकता है तो मेडिकल टर्म्स में इनके लिए हम दो डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी मतलब इस सर्जरी के दौरान मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो वास डिफरेंस जो ट्यूब होता है उस ट्यूब को कट कर दिया जाता है बीच में से ठीक है मतलब कट करके ऐसे सेपरेट कर दिया कट करने से क्या हुआ स्पर्म का मूव करने का जो पाथ है वो पाथ टूट गया राइट right? रास्ता ही टूट गया तो अब स्पर्म ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा राइट ओके okay. और अगर यही सर्जरी फीमेल्स में किया जाए तो उसे हम कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी क्यों क्योंकि फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसे कट कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया तो क्या होगा तभी भी वही होगा यार कि जो एग है वो ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब पे आती है राइट उसी तरह जो मेल गैमिट है यानी कि जो स्पर्म है वो भी ऑल द वे ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब तक जाती है और वहीं पे दोनों मिलते हैं अब ट्यूब को ही कट कर दिया तो स्पर्म और एग कभी मिल ही नहीं पाएंगे राइट सो दैट्स अबाउट वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबिक्टॉमी सर्जिकल मेथड्स के अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो दोनों सेम ही हैं इसका एडवांटेज भी यही है कि ये एक तरीके से परमानेंट सॉल्यूशन है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और इसका डिसएडवांटेज भी यही है डिसएडवांटेज क्यों क्योंकि अगर ये सर्जरी करवा लिया किसी ने उसके बाद अगर उसे सडनली मन कर जाए कि भाई मुझे प्रेग्नेंट होना है देन यू आर नॉट लेफ्ट विथ अ चॉइस राइट तो मतलब इसका एडवांटेज भी यही है कि भाई दिस इज अ परमानेंट सोल्यूशन टू प्रिवेंट प्रेग्नेंसी इसका डिसएडवांटेज भी यही है तो अगर समबड़ी हैज टू गो फॉर द सर्जिकल मेथड तो दैट पर्सन शुड बी रियली श्योर देट नाउ दैट पर्सन डजेंट वॉन्ट टू हैव बेबीज अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इनफैक्ट एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक विच इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी या फिर एम टी पी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वर्ड से क्या लग रहा है इसका मतलब क्या होगा मतलब अ वुमेन हु इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट जो ऑलरेडी प्रेगनेंट है वो अपने प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट कर दे प्रेगनेंसी को खत्म कर दे दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहा जाता है यानी कि इंटेंशनली जान बूझ के प्रेगनेंसी को खत्म करना बिफोर फुल टर्म फुल टर्म बोले तो नाइन मंथ्स क्योंकि प्रेगनेंसी नाइन मंथ्स की होती है राइट right, तो नाइन मंथ्स से पहले प्रेगनेंसी को खत्म करना इसका मतलब है कि अंदर जो फिटस है उसको खत्म कर देना उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन या फिर एम अब एम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं अगर एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना माँ या बच्चे के लिए जानलेवा होता है तो ऐसे केस में एम हेल्प्स दूसरा बहुत बार सेक्शुअल क्राइम्स जैसे कि रेप्स की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं जो बहुत से फीमेल्स को पता भी नहीं चलता है तो वैसे केसेस में भी एम टी पी हेल्प्स अगर बात करें एम के डिसएडवांटेजेस की तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है फीमेल फीटिसाइड चूँकि प्रेगनेंसी को बीच में टर्मिनेट करना पॉसिबल है बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की वही सोच कि बेटा ही चाहिए के चक्कर में लोग पहले ही जेंडर पता करवा लेते हैं बच्चे की और जब उन्हें पता चलता है कि कोई लड़की पैदा होने वाली है तो बच्चे के पैदा होने से पहले ही उस प्रेगनेंसी को एंड कर देते हैं सो फीमेल फीटिसाइड एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का रिस्क इन इलीगल एबोर्शन इलीगल एबॉर्शन में काफी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं सोशल स्टिग्मा रिलेटेड टू एबॉर्शन एबॉर्शन से कहीं ना कहीं एक्चुअली दिस एंटायर रिप्रोडक्शन थिंग नो किसी को बच्चा नहीं हो रहा है या फिर किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज है इन सारी चीजों से काफी सारे सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है राइट सो सोशल स्टिग्मा इज वेरी मच इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस एम टी पीज बाई अनक्फाइड क्वैक्स कैन बी फेटल मतलब बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड डॉक्टर्स जो एक्चुअली डॉक्टर्स होते नहीं हैं बट दे प्रिटेंड टू बी डॉक्टर्स अगर इस तरह के क्वैक्स अगर एम टी पी परफॉर्म करते हैं चूंकि उन्हें ठीक से इसकी टेक्निक नहीं पता है ठीक से इसके तौर तरीके नहीं पता है तो इट मे बी फेटल इट ये जानलेवा हो सकता है उन फीमेल्स के लिए अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ विच सेक्शुअली ट्रांसमीटेड डिजीज़ेज़ यानी कि एस क्या होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमीटेड डिजीजेज ऐसे डिजीजेज़ जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू या सेक्शुअल इंटरकोर्स के दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एस के हैं गरिया साइफिलिस एच आई वी एड्स जेनाइटल एंड एनल वार्ड्स एस टी टीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं यूज ऑफ कॉन्डोम्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्डोम्स के यूज से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी नहीं फैलते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चेक इफ द पार्टनर इज एच आई वी पॉजिटिव बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स पता होना जरूरी है कि जिस बंदे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है वो एच आई वी पॉजिटिव है या नहीं वॉश बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स ताकि जो जेनाइटल एरिया है दैट कैन बी केप्ट क्लीन और प्रॉपर हाइजीन वहां पे मेंटेन किया जाए अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स कंप्लीट ट्रीटमेंट पोस्ट डायग्नोसिस ऑफ एस टी डी बहुत बार क्या होता है कि ये पता चल चुका होता है डायग्नोसिस से कि किसी को सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कोई भी एक डिजीज है लेट्स से एच आई वी एड्स है बट बिकॉज ऑफ दैट सोशल स्टिग्मा एंड सोशल प्रेशर लोग अपना ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते हैं एंड एज अ रिजल्ट

पौधा उगाओ तो वो अच्छे से उगेगा इनफर्टाइल है मतलब वहां पे आप पौधा उगाने की कोशिश भी करो बट स्टिल वो जो सॉयल है वो सॉयल में फर्टिलिटी नहीं है तो पौधे उसमें नहीं उगते हैं सो व्हेन इट कम्स टू फर्टिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो हम ऐसे कपल्स की बात करते हैं जो नेचुरली दे कैन नॉट गिव बर्थ टू अ बेबी राइट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम इधर इन द फीमेल और इन द मेल एंड इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी तो कई सारे ऐसे स्पेशल को बच्चे मदद करता है एंड वी कॉल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज तो ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे जैसे की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे की आईवीएफ दैट इज इन विजेशन इंट्रा साइटोप्लाजमिक स्पर्म इंजेक्शन एंड गिफ्ट दैट इज गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और यह चारों मेथड क्या है एक एक करके सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंसेमिनेशन मतलब कर का मतलब क्या होता है जो मेल गैमिट है यानी कि जो सिमिनली जो स्पर्म और जो सेमिनल फ्लूड का जो मिक्सचर है उसे आर्टिफिशियली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल देना ठीक है इसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये किस सिचुएशन में हेल्प करेगा अगर मान लो कोई ऐसा मेल है जिसके स्पर्म काउंट्स बहुत कम है या फिर जिसके स्पर्म्स बहुत कम मोबाइल हैं तो वैसे केस में नेचुरली शायद ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुँच सके क्योंकि वो स्पर्म्स एक तो नंबर में बहुत कम है ऊपर से वो इतने मोबाइल भी नहीं है राइट या फिर अगर ऐसा हो कि किसी फीमेल का जो म्यूकस है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो म्यूकस का कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है या उस म्यूकस का नेचर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये दिस इज वेरी अनरिसेप्टिव टू द स्पर्म मतलब ये स्पर्म को इतना वेलकम कर भी नहीं रहा है अपने ट्रैक्ट में तो ऐसे वाले सिचुएशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प्स। तो इस मेथड के दौरान स्पर्म जो होता है उसे डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है इनटू द सर्विक्स और द फैलोपियन ट्यूब और द यूटरस इसका जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है दैट इज आई यू आई दैट इज इंट्रा यूट्रेरिन इनसेमिनेशन तो अगला टेक्नोलॉजी है आई वी एफ दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले समझते हैं कि इन विट्रो का मतलब क्या होता है इन विट्रो मतलब कोई भी प्रोसेस जो टेक प्लेस हो रहा है एक टेस्ट ट्यूब में या फिर एक कल्चर डिश में या फिर कहीं पर भी आउटसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है तो इसका मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है जो फ्यूजन है स्पर्म और आ, एग का वो फ्यूजन बॉडी के अंदर हो ही नहीं रहा है नॉर्मली ये कहाँ होता है फीमेल बॉडी के अंदर बट यहाँ पर ये जो फ्यूजन है ये बॉडी से बाहर लेबोरेटरी में होगा राइट सो दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये कैसे सिचुएशन में हेल्पफुल होता है फॉर एग्जाम्पल अगर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब्स डैमेज्ड हैं राइट right? अगर फैलोपियन ट्यूब ही डैमेज है तो वहां पर फ्यूजन होना भी मुश्किल है वहां पर इंप्लांटेशन होना भी मुश्किल है तो बेसिकली प्रेग्नेंट होना मुश्किल है या फिर अगर मेल्स के स्पर्म्स में कुछ इशू है या तो स्पर्म के काउंट में इशू है स्पर्म के क्वालिटी में इशू है तो ऐसे सिचुएशन में आई हेल्प्स आई में एग्जैक्टली exactly करते क्या है जो फीमेल बॉडी होती है वहां से ओवम लिया जाता है जो मेल बॉडी होती है वहां से स्पर्म लिया जाता है अब आप बोलोगे कि भाई अगर जो हस्बैंड है उसके स्पर्म्स के साथ ही कुछ इशू है सो देन द स्पर्म कैन एक्चुअली बी टेकन फ्रॉम एनी डोनर राइट तो हमने एग लिया हमने स्पर्म लिया ठीक है दोनों का फ्यूजन करवाया गया अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन लेबोरेटरी मतलब लेबोरेटरी में वैसे कंडीशन बनाए गए जहाँ पर वो एग और वो स्पर्म फ्यूज करके जाइगॉट बना सके ठीक है जायगॉट बन गया अब क्या करेंगे इस जयगॉट का अब इस जयगॉट को इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अब यहाँ पर भी दो बातें हो सकती है एक तो हो सकता है कि एक अर्ली स्टेजॉट को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ही फिट कर दिया गया ठीक है तो उसमें क्या होगा कि वो जो जायगॉट है इट विल टेक इट्स ओन टाइम और वो ग्रेजुअली यूटरस तक पहुँचेगा और वहाँ पे जाके अपने आप को इम्प्लांट कर लेगा जो हमने पढ़ा था राइट इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा था ना हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि भाई अर्ली स्टेज एम्ब्रायो को न लेके थोड़े दिनों तक तो और उसे लैब में ही रखते हैं तो जब वो थोड़ा सा और ज्यादा डेवलप्ड एम्ब्रायो हो जाए तब उसे सीधा फीमेल के यूटरस में ही इम्प्लांट कर दिया ठीक है उसके बाद क्या होगा कि एक बार यूटरस में इम्प्लांट कर दिया एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइन मंथ्स इट रिमेंस देयर एंड इट ग्रोज जस्ट लाइक एनी अदर बेबी ठीक है तो यहाँ पर ये यह जो है इतना आसान नहीं होता है इसके लिए द फीमेल की जो बॉडी होती है उसको भी पहले से प्रिपेयर किया जाता है सो so दैट जो बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस हैं या फिर जितने भी चेंजेस एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में होती है वो सारी चेंजेस उस फीमेल की बॉडी में भी हो ताकि जब अचानक से वो एम्ब्रायो को यूटरस में फिट कर दिया जाए उस समय द बॉडी बिहेव्स नॉर्मली राइट तो ये होता है आईवीएफ का प्रोसेस कई और टेक्निक्स भी होते हैं जैसे कि तीसरा टेक्निक है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं आईसीएसआई नाम पे फोकस करो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी कि हम स्पर्म इंजेक्ट कर देते हैं कहाँ पर साइटोप्लाज्म में किसके साइटोप्लाज्म में एग के साइटोप्लाज्म में राइट यानी कि इसमें हम क्या करेंगे एक स्पर्म को हम इंजेक्ट कर देंगे इन टू द साइटोप्लाजम सेल मतलब हम एक तरीके से फोर्सफुली जो है ना फ्यूजन करवा देंगे नाउ दिस इज एन इन विट्रो टेक्निक मतलब ये ह्यूमन बॉडी के बाहर होता है तो एग ले लिया जाता है फीमेल बॉडी से और उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है एक स्पॉम को चौथा टेक्निक है गिफ्ट गिफ्ट बोले तो गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसका मतलब क्या हुआ गैमिट का ट्रांसफर होगा कहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में ठीक है तो हम गैमिट गैमिट क्यों ट्रांसफर करेंगे बहुत बार ऐसा हाँ सिचुएशन होता है कि कोई एक फीमेल है जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है सो बेसिकली ओव्यूलेशन वाले प्रोसेस के साथ कुछ इशू है उस फीमेल की बॉडी में बट बाकी हर सेंस में द फीमेल इज़ फिट टू तो कीप द बेबी इन द वोम इन द यूटरस फॉर से अबाउट नाइन मंथ्स मतलब बाकी सब कुछ वो कर सकती है जस्ट दैट वो अपना फ़ीमेल गैमिट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है तो ऐसे केस में क्या किया जाता है एक डोनर ढूँढा जाता है जो गैमिट दे सके और उस गैमिट को डाल दिया जाता है फीमेल की बॉडी में कहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में तो वहाँ पर वो गैमिट डाल दिया गया सो so दैट क्या होगा क्सुअल इंटरकोर्स और फ्यूजन होगा फ्यूजन होने के बाद अगर तो वो जयगॉट फिर आगे के जो स्टेप्स है वो सब कुछ उस फीमेल की बॉडी सपोर्ट कर सकती है उस फीमेल को सिर्फ किस चीज का इश्यू था एग का तो इसीलिए एग को हमने क्या किया ट्रांसफर कर दिया एक डोनर के बॉडी से और डायरेक्टली से डाल दिया ट्यूब में सो दिस इज कॉल्ड गिफ्ट दैट इज गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर तो बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इतना कुछ डिस्कस करने के बाद हमने कौन कौन सी बेसिक चीज़ें कंक्लूड करी कुछ कुछ चीज़ें जो हमने कंक्लूड की वो ये है कि बच्चों के एज में प्रॉपर गैप होना चाहिए ताकि दोनों बच्चों को बराबर का केयर मिल सके प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स इनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट मिलना चाहिए क्योंकि अगर इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी प्लानिंग बेबी एट द राइट एज ऑफ अ मदर क्योंकि जो मदर होती है उसे अपने बॉडी में बेबी को रखना पड़ता है फॉर अ पीरियड एज लॉन्ग एज नाइन मंथ्स उनके बॉडी में वैसे ही बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मदर के राइट right एज में ही बेबी प्लान किया जाए एंड दैट राइट एज इज़ रफली बिटवीन ट्वेंटी टू थर्टी फाइव ईयर्स एवॉयड अनवॉन्टेड प्रेग्नेंसी एंड रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन सो दैट वी डू नॉट एड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओवर पॉपुलेशन तो बच्चों हमने इनफर्टिलिटी के बारे में इतनी सारी बातें की हमने देखा कि बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हें बच्चा हो और ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ uh, हैं जो मदद करती हैं उन्हें टू हैव चिल्ड्रन। नाउ हैविंग डिस्कस्ड ऑल ऑफ दैट लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट अमंगस्ट ऑल ऑफ दीज एडॉप्शन स्टिल स्टैंड आउट एज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके मां बाप नहीं होते हैं और बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं सो दे आर लाइक द परफेक्ट मैच मेड फॉर ईच अदर तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के काफी कॉन्सेप्ट हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय